शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रास्ता कहां जाता है? स्टेशन। मगर आप हैं कौन? मैं ये समझो कि मैं एक घायल रूह हूं, अपनी खबर से निकलकर भागी हूं। आपने कुछ सुना क्या? अजाब के फरिश्ते, मगर मैंने भी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और दूंगी भी नहीं। वो आ गए शायद। कौन आ गए? ये तो हवा है, सिर्फ हवा। चलो देखो वो आ रहे हैं, भागो। अरे सुनो, अरे रुको आप। अरे कहाँ चली जा रही हो? सामने खड्ड है। देखो अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो चलो, मैं जल्दी में हूं, वरना मेरी अलीपुर की गाड़ी छूट जाएगी। हाँ क्या हुआ? सुना? सवाल करती हो, ये तो किसी गाड़ी के आने की आवाज है। बस देख लिया। अरे 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 ओ!
मैंने भेजा। सवारी वाले इधर आइए, इधर आ जाइए, वहां तक अब आइए, आइए आइए। साहब आप मुझे हयात मंजिल ले जा सकते हैं? माफ कीजिए हुजूर, मैं बड़ी देर से लंबी सवारी के इंतजार में हूँ। आप एक काम कीजिएगा, वो जो सामने मोड़ है ना, वहाँ तक चले जाइएगा, वहाँ से दाएं जाइएगा, आगे जाकर किसी से भी पूछिए, कोई भी आपको हयात मंजिल का पता बता देगा। लंबी सवारी, लंबी सवारी। देखिए जनाब, यहाँ कोई भी टांगे वाला नहीं छोड़ सकता मुझे। अजी साहब नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा इनमें से। ठीक है भाई, गुस्सा मत करो। ठीक है ठीक है। लंबी सवारी, लंबी सवारी, लंबी सवारी के लिए इधर आइए, इधर आइए साहब, आइए 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 साहब। मियाँ अब्दुल वहीद जी, आप अगर हमसे नहीं डरते मत डरिए, कम से कम अल्लाह से तो डरिए। देखिए, एक हम है कि हकीम और डॉक्टर माजून और विटामिन खिला के जिलाए रखे हुए हमको लष्टम पष्टम जी रहे हैं, और एक आप है कि आपसे इतना भी नहीं होता कि जरा आहिस्ता आइए और गिरने से परहेज कीजिए। बाबा सरकार, न जाने कब सुधरेगा। सुकन, अब ये नहीं सुधरने का। बताओ बेटा, कोई जलजला था जो आपके पीछे दौड़ रहा था, जो आप सर पे पैर रख के चले आए इधर? नाना सरकार, हम तो आपको ये बताने आए थे। क्या आपने शायरी छोड़ दी? अल्लाह मुबारक करे। अजी तौबा कीजिए, वो हजरत आए हैं। कौन आया है बेटे? एक हम है के लिया अपनी सूरत को बिगाड़, और एक वो है। अरे तुम बखत, ये भैरवी के वक्त पीलू का सुर क्यों छेड़ रहा है? कौन आया, बोलता क्यों नहीं? जी वो फोटोग्राफर किबला तशरीफ लाए। तो उनको ले आओ अंदर बेटे, ले आओ उनको। इमरान साहब आइए, आइए तशरीफ लाइए। इमरान साहब, नाना सरकार, आप अली इमरान साहब फोटोग्राफर। आधा ए मियां, इनसे मिलिए, ये है सुकन उर्फ सकीना बेगम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुझे इनका बाप होने का शर्फ हासिल है। अच्छा अच्छा। और इनके बाप होने की सजा मैं इनका नाना होने की सूरत में भुगत रहा हूँ। नाना सरकार, इनका क्या, पूरा नाम लीजिए ना, साहबजादे नवाब अब्दुल वहीद खां नैरंग। नैरंग मेरा तकल्लुस है जनाब। जिस तरह लोगों पर नजला गिरा करता है ना, उसी तरह ये शायरी पे गिरे हुए हैं, और ऐसे गिरे हुए हैं कि उस वक्त से बेचारी शायरी बिलबिला रही है। अहमकों की तरह हंसो मत मियां, जाओ और नाश्ते का इंतजाम करो इनके लिए। अभी लाता हूँ, एक ताजा शेर, ताजा नाश्ता। मियां अभी लाता हूँ, ताजा नाश्ता अभी पेश करता हूँ, ताजा नाश्ता। मियां इधर आओ, इधर आओ। तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हो जी। इनके नामकूल अशार के लिए तुम्हें तस्वीरें खींचनी है। जी मैं जानता हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीरें खींचूंगा। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ आपको। आप खींचेंगे बुरी से बुरी तस्वीरें, बुरी ताकि जब इनका दीवान शाया हो और तस्वीरें छपे तो लोग इतने जूते मारे कि इनके सर से शायरी का भूत हमेशा के लिए उतर जाए।
और मेरा बुढ़ापा बड़े आराम में गुजरेगा मियाँ। मैं पैसे कम नहीं करूंगा। अब कर लो मियाँ शायरी। अल्लाह बात है। आप कौन है जी? मेरा नाम गौरी है, नौकरानी। आप कहां से आई? यहां से। क्या बात है? वो मैंने अभी भी एक लड़की को यहां से गुजरते हुए देखा। कोई नौकरानी होगी। अजीब चाल, अजीब शक्ल। धुंध गहरी है ना, धुंध में अक्सर शक्लें धोखा देती हैं। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? पत्तियां बुझाने निकली थी।
एक बात बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? और नहीं तो क्या, कल रास्ते में अचानक मेरे सामने आ गई और यहाँ पहुंचा तो पहाड़ी पे फिर तुम। मैंने कलंदरों की महफिल तक तुम्हारा पीछा किया, वहां से भी गायब हो गई। कल रात हयात मंजिल में अपने कमरे के बाहर तुम्हें देखा और इस वक्त यहाँ तुम मेरा पीछा नहीं कर रही तो और क्या कर रही हो? ये चक्कर क्या है? तुम अपनी कब्र में वापस क्यों नहीं लौट जाती? मेरी मर्जी। अरे तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं हुक्म नहीं दे रहा, गुजारिश कर रहा हूं आपसे साहब। बहुत दिनों बाद एक अच्छी नौकरी मिली है, जो तुम पीछे पड़ी रही तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अजाब के फरिश्ते ही होते हैं, तुम कहीं भी भागो वो तो दौड़ा के तुम्हें पकड़ ही लेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अपनी कब्र में वापस लौट जाओ। मैं तो नहीं लौटती। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? तुम्हारे पीछे तो पड़ी रहूंगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो ना। देखो अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम हया था। हया? आज भी मेरा नाम हया है और कल का पता नहीं। अरे तो कम से कम अपने नाम की लाज तो रखो भाई, एक गैर मर्द का पीछा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर शर्म आती तो तुम्हारा पीछा क्यों करती? आओ ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ कहाँ? मेरी खबर में है? सुनो मिस्टर, इस बाजी का एंगल तो तुमने नया निकाला है, मगर मुझे इस कसम की बेहुदा बातें करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर जूते खाना नहीं चाहते हो तो फौरन निकल जाओ यहाँ से। ये तो वाकई पागल है कमल। एक तमाशा हुआ गिला ना सरकार। क्या क्या बात है? ये कौन बदतमीज आदमी आया हुआ है? खैरियत तो है, किसकी बात कर रही हो? हाँ। यही है वो आदमी। अरे ये बदतमीज नहीं है, ये बदनसीब हैं। ये अब्दुल वहीद की नामुनासिब शायरी के लिए कुछ मुनासिब तस्वीरें खींचने के लिए आए हैं। तस्वीरें खींचना और तमीजदारी दो अलग अलग चीजें होती हैं दादा सरकार। लड़कियों से मिलने के भी तौर तरीके होते हैं, मगर ये तो सूरत पर सवार कि मैंने आपको यहाँ देखा था आप गायब हो गई, फिर मैंने आपको टीले पर देखा था आप वहाँ से गायब हो गई। आप तो अभी अभी सहन बाग से भी गायब हो गई थी खातून। मेरा नाम खातून नहीं है। इमरान ये हया है मेरी पोती। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं आपसे सच अर्ज कर रहा हूँ नवाब साहब, मैंने परसों इन्हें कोठारी स्टेशन के रास्ते पे देखा था, ये अचानक मेरे सामने आ गई और कहने लगी कि मैं अपनी कब्र से भाग कर आ रही हूँ। सुन रहे दादा सरकार आप इन्हें फौरन निकाल। बेटे बेटे रुको, बोलने दो इन्हें। इमरान बोलो। बात करते करते ये यकायक वहां से गायब हो गई, फिर रात का सफर करने के बाद जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक टीले पे दिखाई दी, रात को मेरे कमरे के सामने से गुजर गई। फिजूल बातें मत कीजिए। अरे लेकिन इमरान बैठो बेटा, एक बात बताओ, जब तुम उससे पहली बार मिले थे तो कैसे मिले थे? मेरा मतलब माहौल कैसा था? जी धुंध छाई हुई थी, साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये बुरके में थी, इनका चेहरा कुछ लम्हों के लिए दिखाई पड़ा, फिर एकदम से गायब हो गया। बात साफ हो गई। देखो मियां, एक तो वैसे भी धुंध गहरी थी जी। साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था तुम्हें। तुम जरूर किसी गलतफहमी का शिकार हो गए मियां, होगी कोई लड़की, और वैसे भी लोगों की शक्लें आपस में मिला करती। नहीं नवाब साहब, मैंने बातें भी की। क्या था? मियां देखो, फजूल की बातों में मत उलझो, तुम जाओ अपने काम से लगो। जाओ मियां। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी नहीं मेरे सरकार, शायरी है, तस्वीर है। उसने भीगे हुए जुल्फों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा, टूट के बरसा पानी। एक तस्वीर मेरी भी उतार लो ना, मगर वहीद मियां के दीवान के लिए नहीं, अपने लिए। देखो गौरी। देखूं कैसे, मुंह फेरे तो खड़े हो न, रूठो मुंह से, पिया जी ऐसे चुराए नैना, बनाए बतिया। बंद करो ये बेहुदा शेर व शायरी। अरे सरकार, अमीर खुसरो को तो बेहुदा ना कहें, सूरत शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। दूसरा शेर तो सुनिए,
अब ये जुदाई ना सह सकूंगी, जरा सा बढ़ के लगा लो छतियां। जाते जाते इस भीगे हुए अंगारे को छू कर तो देखो, मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो, सर्दी लग रही है। अच्छा अच्छा ये बात है, मेरे पास अपनी बाहों से भी ज्यादा गर्म कंबल है और वो है नवाब साहब की डांट। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि हयात मंजिल में इतनी बेहुदा नौकरानियां होंगी। मुझे तो हैरत होती है इस बात की कि हयात जैसी समझदार लड़की तुम जैसे बेशरम लड़कियों को बर्दाश्त कैसे करती है। मैं तो तुम जैसों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो सीधा नवाब साहब के पास जाने वाला हूँ और उनसे नौकरी छोड़ने की इजाजत मांगने वाला हूँ। अरे वो घर तो और, मैं तो उस शहर में भी नहीं रहूंगा जहाँ तुम जैसी लड़कियां रहती हो, समझी? याली, अरे इमरान साहब जरा सुनिए तो, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अरे मैं कोई माफी अभी नहीं दूंगा। कमाल है, अब तो इस शहर में या तुम रहोगी या मैं रहूंगा। इमरान साहब। अरे कोई इमरान शिमरान नहीं। अरे आप इमरान साहब जी, क्या आप मेरी सिफारिश पर गौरी को माफ कर सकते हैं? जी नहीं, मैं इस किस्म की बेहुदगियां माफ करने वाला आदमी नहीं हूँ। नो। और अगर मैं ये कहूँ कि गौरी ऐसी लड़की नहीं है तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप गौरी को जानती नहीं। अजी वो निहाती वो ब्लू फिल्म जैसी लड़की है। और अगर मैं ये कहूँ कि गौरी ये नाटक मेरे कहने पर कर रही थी तो? आपके कहने पे? नहीं नहीं नहीं, आपके कहने पे? मगर क्यों? क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि आप बहुत बदतमीज हैं और मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका इम्तिहान लेना चाह रही थी। यानी कि हम इम्तिहान में पास हुए। तो चलिए एक शर्त पर हम गौरी को माफ कर सकते हैं। शर्त? शर्त यह है कि तुम मुझे इजाजत दो अपनी कुछ तस्वीरें खींचने के लिए, वहीद के दीवान के लिए नहीं, अपने इस कैमरे को जिंदा रखने के लिए। बेचारा अधमरा हो रहा है, क्या कहती हो? Chin down, thoda chin down. Smile, smile, smile. Fantastic. Achha, chirap, 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 chirap. That's it. Kya baat hai yaar? Thoda muskurao yaar. Thoda muskurao. Bhooke pet nahi muskura jata. Ye roze ke tod ka waqt hai. Eid Mubarak ho. Maine to Eid ka chand nikalne se pehle hi dekh liya tha. ईद मुबारक। ईद मुबारक हो जगजान। जीती रहो बेटी। ये रही तुम्हारी ईदी। बस और महंगाई बता। हाँ भाई हाँ, ये लो। शुक्रिया। अरे भाई वो 56 कमाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या बताओ मियां, अब की बरस धोखा देगा कम बहुत। आमा तो ईद क्या होगी खाक, कवाली के बगैर तो हयात मंजिल की ईद ऐसी होगी जैसे इफ्तार के बगैर रोजा। भाई कवाली तो होनी चाहिए। आप इमरान साहब से क्यों नहीं कहते दादा सरकार? इमरान साहब से? जी हाँ, वो भी बहुत अच्छे खवाल हैं, लेकिन शायद सबके सामने गाएंगे नहीं। क्यों नहीं गाएंगे? उनके अच्छों को भी गाना पड़ेगा। हम हमजा मियाँ, वो इमरान मियाँ से कहो हम बुला रहे हैं। जी सरकार, लीजिए वो खुद ही आ रहे हैं। आओ आओ इमरान मियाँ। जी भाई, हमने सुना है तुम कव्वाल भी बहुत अच्छे हो। कव्वाल? ये किसने कहा आपसे? जी मैंने, मैं दादा सरकार से ये अर्ज कर रही थी कि 56 कव्वाल ना सही, आप ही सही। वैसे दर्द तो आपकी आवाज में भी गजब का है। वाह मियां वाह, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं नहीं नवाब साहब, अब बात ठहर गई है मियां। लेकिन अब आज रात को महफिल जमेगी और तुमको गाना पड़ेगा। हम ना नहीं सुनेंगे। इस सिनायत को हमेशा याद रखूंगा। बोलूंगा नहीं मुंह से, बोलूंगा नहीं मुंह से, दीवाना हूँ दीवाना। बोलूंगा नहीं मुंह से, बोलूंगा नहीं मुंह से, दीवाना हूँ दीवाना। बोलूंगा नहीं मुंह से, दीवाना हूँ दीवाना। दरवाजा खुला होगा, दरवाजा खुला होगा, दरवाजा खुला होगा।
पूछेगा कोई मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा। पूछेगा कोई मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा। ये दिल भी दिया तुमको, मैं जान भी दे दूंगा। ये दिल भी दिया तुमको, मैं जान भी दे दूंगा। क्या चीज मोहब्बत है, क्या चीज मोहब्बत है, क्या चीज मोहब्बत है, मुझको नहीं समझाना। बोलूंगा नहीं मुंह से, दीवाना हूँ दीवाना। बोलूंगा नहीं मुंह से, सुलगता है अब चांदनी रातों से। हर दिल मेरा सुलगता है अब चांदनी रातों से। तकदीर मेरी लिख दो मेहंदी लगे हाथों से। तकदीर मेरी लगे हाथों से, दिखलाओ खुदाई तुम, दिखलाओ खुदाई तुम, दिखलाओ खुदाई तुम। मैंने तो खुदा माना, बोलूंगा नहीं मुंह से, दीवाना हूँ दीवाना। बोलूंगा नहीं तेरे दर पे, दामन नहीं फैलाया। बैठा हूँ तेरे दर पे, दामन नहीं फैलाया। मांगूंगा नहीं तुझसे जुल्फों का हसी साया। मांगूंगा जुल्फों का हसी साया। अरमान है आशिक के, अरमान है आशिक के, अरमान है आशिक के। और शान फकीराना, बोलूंगा नहीं मुंह से, दीवाना हूँ दीवाना। दरवाजा खुला चाहो तो चले आना, बोलूंगा नहीं मुंह से। रात तो तुम्हारी आंखों ने बेबाकी की हद ही कर दी। अगर दादा सरकार ये पूछ बैठते कि इमरान मियां ये क्या हो रहा है, तो क्या कह देते? सरकार मोहब्बत हो रही है और क्या। होशों में रहो। मोहब्बत करने वाले होश में कहां रहते हैं। मोहब्बत होश ले जाती है पहले। मोहब्बत है नाम दीवानगी का। वाह वाह वाह, ये गुलाब इस गोरे हाथ में क्या खिल रहा है। अगर इजाजत हो तो इसे मैं चूम लूं। अम्मा इमरान मियां, इमरान मियां आप भी कमाल है, थक गया हूं ढूंढते। खैरियत तो है अम्मा। क्या खास खैरियत है? वो मरोड़ है पेट में कि क्या अर्ज़ है? अम्मा डॉक्टर से मिलिए, ये तो जुल्लाबों के आसार हैं, जुल्लाबों के। लाहौल बिला कुवत, आप भी अजीब तड़के से शेर लिए घूम रहा हूँ और आप लापता है। सुनाता किसे? अर्ज करता हूँ, वही दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ,
चिराग लेके कहा सामने हवा के चले। वाह वहीद मियां वाह, एक लफ्ज बदल कर आपने शेर को कहां से कहां पहुंचा दिया। शुक्रिया। मीर अनीस ने तो यूं कहा था कि अनीस दम का भरोसा नहीं, मगर आपने वहीद दम का भरोसा नहीं कहकर वाह वाह साहब वाह वाह वाह। वैसे मेरे ख्याल से ये वहीद से कोई एक अजीब सी ताकत आ गई शेर में, क्यों? जरा वो कलम निकालिए, वो कलम निकालिए जिससे आपने ये शेर लिखा, जरा हम उसको चूमेंगे, चूमेंगे हम उसे। जी वो कलम तो नहीं है, लेकिन वो हाथ हाजिर है जिसमें वो कलम था। शौक फरमाइए। अजीब तकल्लुफ कैसा, शौक फरमाइए ना। और वहीद मियां जी, अब आप सीधे वो फव्वारे वाले हाउस पे चले जाइए और वहां बैठ के ये गजल डालिए। ऐसी गजलें रोज रोज नहीं हुआ करती साहब। अम्मा वाकई? हाजी जनाब बिल्कुल। तो फिर मैं अभी चला, अभी चला जनाब। गधा कहीं। इमरान साहब, वहीद भाई के हाथ का मजा कैसा रहा? सारा मुंह का मजा खराब कर दिया कमबख्त। अब अपने लब चखाओ ताकि थोड़ा मुंह मीठा हो। ये कहां से आ गया? सुनेंगे तो मैं आपके मां। अमा इमरान मियां, नाक टूट गई। अमा इमरान मियां सुनिए, अमा रुकिए, अरे रुकिए आगे, आप सुनेंगे तो बेहोश। कौन हो तुम? तो यहां आने के लिए तुम अपनी कब्र से भागी थी। देखो आज इतनी धुंध भी नहीं कि तुम उसमें गायब हो जाओ, इसलिए बताओ कि तुम कौन हो, कहां रहती हो और इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो। तुम्हारे चेहरे पर नकाब है और इस नकाब के पीछे जरूर कोई राज है। आज मैं ये राज जानकर ही रहूंगा। देखिए। देखूंगा नहीं, सुनूंगा। किबला इमरान साहब, लाहौल बिला कुवत इल्ला बिल्ला, आप अकेले तन्हा इस कब्रिस्तान में किसकी तस्वीर खींच रहे मियां? आप ही ने तो कहा था कि यहाँ की एक अर्ज करता हूँ, अर्ज करता हूँ। कहाँ चली गई है? अर्ज करता हूँ। क्या अर्ज करते हो तुम यार? जिसने अर्ज करना था वो तो चली गई, आप क्या भगते हैं? इडियट। भाई एक बात बताऊं, वो मुझे कल फिर मिली थी। कौन? अरे वही नकाब वाली, और वो भी तुम्हारी अम्मी की कब्र के पास। इमरान, सताने की भी हद होती है। सुनो, उस दिन टीले पर तुमने मुझे देखा था, ठीक है? कलंदरों की महफिल में भी मैं ही थी, और जब मैं कलंदरों की महफिल से लौट कर आ रही थी तो तुमने मुझे अपने कमरे के सामने देखा, ठीक है? अब इमरान, मैं तुम्हें कोई नकाबपोश भूतनी नजर आती हूँ? नहीं, नहीं। लेकिन उस दिन रास्ते में जो मुझे मिली थी वो कौन थी? वो कौन थी? हाँ? राज खोसला की एक फिल्म थी। उफ, मजाक मत करो यार, क्योंकि मैंने तुम्हारी अम्मी की कब्र पर उस लड़की को देखा। इमरान मैं जा रही हूँ, तुम अम्मी की खबर के पास बैठ के उसका इंतजार करो। और इतना गुस्सा भी क्या, बैठो तो सही, बैठो। फिर एक वादा करो, तुम मुझसे उसी कभी बात नहीं करोगे। अच्छी, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, आप बैठिए तो सही। मेरे पास बात करने के लिए आपकी हसीन आंखें हैं, ये नाजुक गुलाब की पंखड़ियों जैसे लब हैं, सुबह की लाली जैसे रुखसार हैं। किसी दिन ये आदमी मेरे हाथों मारा जाएगा। इमरान साहब, मैंने अभी अभी यहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनी। मैं ही हंस रहा था। अम्मा क्या वाकई अकेले बैठे बैठे हंस रहे थे? जी हाँ, ये मेरे खानदान की रिवायत है। सुभान अल्लाह। अब्बा मरहूम जब अकेले हुआ करते थे तो वो सर के बल खड़े होकर
हंसा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दादा मरहूम का तो शौक ही नहीं रहा था, उनका जब हंसने को जी करता था तो वो किसी का कत्ल करके हंसा करते थे। सुभान अल्लाह। और कभी कभी मुझ में दादा मरहूम की रूह समा जाती है, जैसे कि इस वक्त, और मेरा हंसने को बहुत जी कर रहा है। मैं अभी किसी को भेजता हूँ। गधा कहेगा।
एक नशा है, अरे अच्छा है या बुरा है, चाहत में एक नशा है, अब क्या नजर चुराना, साबित ये हो चुका है कि नैना लड़ गए तेरे नैनों से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए तेरे नैनों से, नैना लड़ गए। पतंगे भी लड़ गईं, नैना भी लड़ गए, पर असली पेज अब पड़ा है। कैसे? इसका दिल तो हमेशा शादी के ख्वाब देखता है, पर आमतौर से शादी तक पहुंचने से पहले ही आंखें खुल जाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि एक मामूली फोटोग्राफर की आंखें हयात मंजिल की हयात से शादी करने का ख्वाब कैसे देखे। आंखें छोटी, ख्वाब बड़ा। दादा सरकार से कहकर तो देखो। मैं क्या कहता हूँ? कुतुब मीनार से नीचे कूदना ज्यादा आसान काम है। अच्छा तो डरपोक मियाँ, मैं कह लूंगी उनसे। दास सरकार मेरी बात को कभी ना नहीं कह सकते। और अगर उन्होंने ना कह दी तो देखा जाएगा। और अगर नहीं देखा गया तो मैं कहीं और शादी कर लूंगी। और अगर फलकनुमा पैलेस की बीबी सरकार तशरीफ लाई हैं। फलकनुमा पैलेस के? जी, नवाब साहब भी साथ आए हैं। उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है जो अब्दुल वहीद मियाँ के लिए रिश्ता मांगने आई हो। एक तो इतराती बहुत हैं, मुझे तो एक आंख नहीं भाती। सुकन सुकन, बुला लो ने। जी सुकन, हयात मंजिल वालों को फलकनुमा पैलेस वालों की बुराई करना जेब नहीं देता। हम उनके एहसान मंद हैं। अगर वो फलकनुमा पैलेस की किसी बांदी या कनीज के लिए भी तुम्हारे बेटे का हाथ मांगे तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे। आदाब 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 आदाब। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ रखिए। जय किस्मत जय नसीब, बीबी आज आपके आने से हयात मंजिल के दिन फिर गए। ये आप क्या फरमा रहे हैं? हमारी कहां मजाल आपके सामने फरमाएं, हम तो खादिम हैं, खिदमतगार हैं, अर्ज कर सकते हैं। वैसे आपके आने से हमारी इज्जत तो बढ़ी, लेकिन आपने खुद चल के आने की जहमत क्यों की? खादिम को बुला लिया होता हम हाजिर हो जाते। आपको बुलवा के आपसे कुछ मांगना कुछ अच्छा न लगा। बीबी हमारे पास ऐसी चीज ही क्या है जो आपको मांगनी पड़े? वैसे अगर कोई ऐसी चीज है भी तो आपके मांगे बगैर आपकी हुई, फरमाइए। जी मैं सज्जाद मियाँ के लिए हया का हाथ मांगने आई हूँ। ये तो हया की खुशकिस्मती है। वैसे सज्जाद मियाँ कहाँ रह गए? वो गर गौरी बाहर बिठा दिया क्या उन्हें? जाओ अंदर बुला लाओ। जी वो अब्दुल वहीद साहब के साथ हैं। वो जल्दी बुला लाओ, अब्दुल वहीद की शायरी से बचा लो। जाओ जल्दी जाओ, वो हमारे अब्दुल वहीद है ना, और फॉल बकते रहते हैं। हया तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी, मैंने तो बरसों पहले देखा था उसे। माशाल्लाह 18 साल की हो जाएगी इस चांद में। बस तो अब इस चांद की चांदनी मेरी हुई। शेर मैंने जरा जल्दी में लिखा था, कुतुब मीनार। आओ सज्जाद मियां, आओ तशरीफ रखो। ऐ सुकन, सज्जाद मियां से पर्दा कैसे करना? देखो ये अब तो अपने हुए ना, अबे तुम तो इनकी पुप्पी सास हो। जी अब हम इजाजत दीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं भाई ये गलत बात है साहब, आज की रात तो आपको गरीब खाने पे गुजारनी होगी। हाँ। वाह 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 नाना सरकार, इस पर एक शेर याद आया। इरशाद। उफ। नजर न पड़ती गर आपकी तो क्या होता? क्या होता? धुएं की तरह जमाने से उठ गया होता। बहुत अच्छा होता। कसब हो गया, सरकार ने नवाब सज्जाद साहब के साथ आपका रिश्ता मंजूर कर लिया। नहीं दादा सरकार, ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, एक शेर और याद आया। पूछा कुतुब मीनार से, पूछा
पूछा कुतुब मीनार से दिल्ली का पता क्या है, बोला पठानकोट से जयपुर की तरफ मुड़ जा। भाई वाह, क्या रास्ता बताया। शुक्रिया सुभान शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए आइए किबला, जनाब इमरान खान साहब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आपकी तारीफ। आप है इमरान साहब, उनकी सबसे बड़ी तारीफ ये है कि ये मेरे दीवान के लिए मेरे शेरों को अपने तस्वीर के शीशे में उतार रहे हैं। अजी साहब, मैं लाख कोशिश करूं मेरी कोई भी तस्वीर आपके शेरों की अजमत का दामन तक नहीं छू सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर एक शेर अर्ज करूं? आपने इनकी तारीफ नहीं की। आप है नवाब सज्जाद अली खान साहब, लेकिन जल्दी इनकी तारीफ बदलने वाली है, क्योंकि ये मेरे होने वाले दूल्हा भाई है। आज ही हया से इनकी शादी तय हुई है। नवाब सज्जाद अली खान साहब की होने वाली बेगम की खिदमत में ये खादिम दिल्ली मुबारकबाद पेश करता है। ना ना, इन आंखों में काजल ही अच्छा लगता है, ये दर्द ना भरो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने एक मामूली आदमी से शादी करने से बच गई। कहां मैं, कहां नवाब साहब। शुक्रिया अदा करो अपने खानदान की रिवायतों का, एहसान मानो औरत की इस बेबसी का कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ इश्क तो जरूर कर सकती है, लेकिन उसके साथ शादी नहीं कर सकती। किसी उस्ताद ने बहुत खूब कहा है, किसी अमीर की लड़की किसी गरीब के साथ निकाह ऐब समझती है, भाग सकती है। जाहिर है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें ऐश और आराम की वो जिंदगी नहीं दे सकेगी जो सज्जाद साहब के पैलेस में मिलेगी। तब तुमने मोहब्बत को समझा ही नहीं इमरान। आज की मोहब्बत 100 साल पहले वाली बेबस और बेजुबान मोहब्बत नहीं है। दादा सरकार, दादा सरकार। खैरियत जी, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था। कहो बेटे, लेकिन ऐसी गहरे रंग की संजीदगी क्यों उड़ाई? क्योंकि बात ही कुछ संजीदा है दादा सरकार। ऐसी बात है तो क्या सुबह का इंतजार नहीं कर सकती हो, नाश्ते के बाद हाउस के किनारे? जी नहीं, शायद तब तक मैं हिम्मत हार जाऊं। ये भी ठीक है, पहले बैठ तो जाओ। हाँ, अब कहो क्या बात है। दादा सरकार, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो हयात मंजिल की रिवायतों के खिलाफ है, लेकिन लेकिन क्या बेटे? आपने जो मेरे लिए रिश्ता कबूल किया है वो मुझे कबूल नहीं। घर आना बुरा है? जी नहीं। लड़के की शक्ल सूरत बुरी है? जी नहीं। तो फिर क्या बात है बेटे? दादा सरकार, मैं आपके हुक्म पर अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं क्या बेटी? इमरान से शादी करना चाहती हूँ। ये तो तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। अगर मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ये भूल भी जाऊं कि इमरान हमारे खानदान का दामाद बनने के लायक नहीं है, मगर उस कॉल को कैसे भूलूंगा जो मैंने बीबी को दिया है? अब इस रिश्ते के टूटने का एक ही रास्ता है, नूर चश्मी, मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। एक रास्ता और भी है दादा सरकार। कौन सा रास्ता? सज्जाद साहब भी तो इनकार कर सकते हैं।
हया को तो आपने कई बार देखा होगा इमरान साहब। जी हाँ, कई बार देखा है। मुझे तो अभी तक जियारत ही नसीब नहीं हुई। जाने कब निकलेगा उस बुद्ध से मुलाकात का चांद। मुझे पता नहीं था कि आप शायर भी हैं। अम्मा शायरी क्या, बस कभी कभार तुकबंदी कर लेता हूँ। अच्छा, हया बहुत अच्छी शायरा है। तब तो खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आ गई वो। तुम हया हो? जी हाँ, मैं ही वो हया हूँ जिससे आपकी शादी तय हुई है। जियारत को निगाहें मुंतजर थी। तो चलिए खत्म कीजिए इंतजार अब। इसे कहते हैं बेसाख्ता शायरी। भाई अब तो प्यास और बढ़ गई, कुछ और सुनाइए ना। क्यों नहीं, आपको सुनाने के लिए ही तो आई हूँ। तशरीफ रखिए। न किसी का दिल मुझे चाहिए, न किसी का दिल मुझे चाहिए।
वाह बहुत खूब, क्या बात है। आप इस गाने का मतलब समझे? क्या गाने का भी कोई मतलब होता है? मेरा सवाल फिर भी वही है सज्जाद। तो फिर मैं कूड़ मगज हूं, सवाल समझा नहीं। सवाल यह है कि एक लड़की के घर वालों ने एक आदमी से उसकी शादी करने का वादा कर लिया, लेकिन उस लड़की की किताबें दिल पर पहले से ही किसी और का नाम लिखा हुआ है। अब एक तरफ उसके घर वालों का वादा है और दूसरी तरफ उसकी अपनी मोहब्बत। अगर वो लड़की अपनी मोहब्बत का राज बता दे तो क्या वो आदमी उस लड़की से फिर भी शादी करेगा? अगर उस आदमी में परखने की ताकत है तो ना सिर्फ ये कि वो उस लड़की से शादी करेगा, बल्कि ये कि वो उस अजीम पाकदामन सच्चाई की देवी की पूजा करने लगेगा। जिसके पास साफ गोई की ये नेमत हो आया, उसके साथ शादी से इनकार करने वाला कोई बदनसीब ही होगा। पर वो लड़की है कौन और वो दो आदमी कौन है? वो लड़की मैं हूं जिससे वादा किया गया, वो आदमी आप हैं, और जिससे प्यार किया उसका नाम बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्यार उस आदमी की अमानत है। अब बताइए, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तुमसे शादी करना मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं इमरान जी? कमाल है भाई, मेरी इस खुशनसीबी पे मुबारकबाद तो दो। बहुत बहुत मुबारक हो सज्जाद साहब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं नवाब साहब? आइए इमरान में आइए। माफ कीजिएगा नवाब साहब, मैं जानता हूं कि आपके आराम करने का वक्त है, लेकिन सवेरे चूंकि मैं तड़के ही निकल जाऊंगा, इसलिए खुदा हाफिज और तमाम मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करने हाजिर हुआ हूं। ये अब क्या फरमा रहे हैं मियां? शुक्रगुजार तो जो है वो हमें होना चाहिए था। अगर आप चाहते तो हमारे रास्ते में कई दुश्वारियां खड़ी कर सकते थे, हया को बदनाम करने का सबब तो बन सकते थे आप, लेकिन आपकी शराफत ने आपको ऐसी गलती करने नहीं दी। मुझसे एक गलती जरूर हुई है नवाब साहब, मुझे अपनी हैसियत तो देख लेनी चाहिए थी। अपने मिट्टी के प्याले में चांद उतारने का ख्वाब तो नहीं देखना चाहिए था ना? इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। अल्लाह तुमको खुश रखे बेटे, अल्लाह खुश रखे। तुम और यहां इतने सवेरे? मैं जानती थी तुम किसी से मिले बगैर ही चले जाओगे। अम्मी जान को मेरा आदाब कहना। कह दूंगा, लेकिन फिर तुम्हें उनका एक हुक्म मानना पड़ेगा। कैसा हुक्म? वो सलाम लेकर हमेशा खुश रहो कहती है, तुम्हारे सलाम के जवाब में भी यही कहेंगे, इसलिए वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगे। वादा कर रही हो ना खुश रहने का? दादा सरकार ने खुश ना रहने का हुक्म दिया है और अम्मी जान खुश रहने का हुक्म देंगी। दोनों में से किसी एक के हुक्म को तो टालना होगा ना इमरान, तो किसका हुक्म टालो? चलो अम्मी का ये हुक्म हम दोनों ही टाल जाएं। जुदा होना हमारे बस में था, सो जुदा हो रहे हैं। खुश होना ना मेरे बस में है ना तुम्हारे इख्तियार में। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। नींद आएगी तब ना।
इस फूल को अपने साथ ले जाओ। मैं इसे अकेला यहां हयात मंजिल में छोड़ नहीं सकती, और वहां नवाब महल में अपने साथ ले नहीं जा सकती। ये क्या कर रहे हो? आओ हम दोनों इस फूल को यहां दफन कर दें, फिर तुम हयात मंजिल चली जाना और मैम। अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत याद ना करना, और दुनिया में दिल लगा लेना। अल्लाह, क्या तूने मोहब्बतों की किस्मत में सिर्फ जुदा ही लिखी है? मोहब्बत की ट्रेजेडी यही है हया, कि मोहब्बत करने वालों के सिवा मोहब्बत की कीमत किसी को मालूम ही नहीं, इसलिए अक्सर मोहब्बत का दाम जुदाई से चुकाना पड़ता है। जाओ, तुम्हें मामी जमीन की हिफाजत में दिया। खुदा। रुको, इमाम जामिन की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं तो घर वापस जा रहा हूं, सफर पर तो तुम निकलने वाली हो। खुदा हाफिज आया, अब तुम यहां से लौट जाओ। पहले तुम जाओ, जब तुम कोहर में गायब हो जाओगे तब मैं चली जाऊंगी। अब सिद्ध मत करो प्लीज। देखो, जुदा होना यूं भी मुश्किल काम होता है, रोकर इसे और मुश्किल मत बनाओ। ये क्या बचपना है हया, यह मोहब्बत कमबख्त रुलाती जरूर है। इमरान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ जानना है। मगर देखो, जब मैं कुछ जानना चाहता था तो तुम गायब होती रही, और अब छोड़ो भी। मुझे हया के बारे में कुछ कहना है, उसकी जान खतरे में है इमरान। हया की जान को क्या खतरा हो सकता है? उस खतरे का नाम सज्जाद है। क्या बकवास करती हो, सज्जाद से क्या खतरा हो सकता है? तुम वाकई पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, हया की जान की कसम में पागल नहीं। यकीन करो, हया की जान बहुत खतरे में है। हया किसी भी खतरे में नहीं हो सकती। तुम क्या उसकी दादा सरकार से भी ज्यादा उसके खैर का हो, जिन्होंने ये रिश्ता कबूल किया? और फिर यह कि मैं सज्जाद को जानता हूं, वो हमारे शहर के एक इज्जतदार आदमी है, फलकनुमा पैलेस के नवाब है वो। तुम नवाबों को नहीं जानते इमरान, वो चाहे हयात मंजिल के हो चाहे फलकनुमा पैलेस के। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं इमरान, मेरी बात मान लो। अरे मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। अभी सिर्फ इतना जान लो कि मेरा नाम आसिया है, और हया से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। तभी तो उसकी जान बचाने के लिए मैं उन अजाब के फरिश्तों के चुंगल से निकल भागी, जहां घोड़ों के टापे दिन रात मेरे दिल को कुचला करते थे। तुम्हारी शक्ल हया से क्यों मिलती है? इमरान! लाला विलायती प्रसाद, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम फलकनुमा पैलेस में तकाजा करने चले आए, वो दिन भूल गए जब तुम्हारे दादा फकीर चंद
कंधे पर खिदमतगारी का रुमाल डाले, हमारे जन्नत मकानी दादा मरहूम का हुक्का ताजा किया करते थे। मैं भी खिदमत गुजार हूँ बीबी सरकार। हमारी जबानें फलकनुमा पैलेस के नमक का मजा कभी भूल नहीं सकती बीबी सरकार। आपके सरवासी सरवासी न कहो, जन्नत मकानी कहो, खुलदाशियानी कहो लाला। मुआफी चाहता हूँ बीबी सरकार। हमने तुमसे कर्ज लिया है और वो कर्ज हम अदा भी करेंगे। क्या करेंगे बीबी सरकार, 6 बरस हो गए हैं। रियासतों के जाने का मतलब ये नहीं कि तुम जैसे लोग हमें दिनों की गिनती बताने लगे। वक्त आने पर तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया जाएगा। ये क्या बेहूदगी है अदाल। तुम इस लायक तो हो नहीं कि तुम्हें कोई जीने की दुआ दे, पर क्या करूं, इकलौते भाई जो हो जीते रहो। आप कुछ गुस्से में दिखाई दे रही हैं। गुस्सा? मेरा बस चलता तो उस विलायती प्रसाद को गोली से मार देती। तो आसपास पिस्तौल नहीं था या कोई और रुकावट आ गई थी? सज्जाद, हर मुश्किल को मजाक में उड़ा देने की आदत छोड़ो। जानते हो ना, हमारा रुआ रुआ कर्ज में बंधा है। फलकनुमा पैलेस उस विलायती प्रसाद के यहाँ गिरवी पड़ा है। करोड़ों की जायदाद 30 लाख के लिए जो हाथ से निकलेगी वो अलग। सारे हिंदुस्तान में डुग्गी पिट जाएगी कि फलकनुमा पैलेस बिक गया। इस बात की नौबत तो नहीं आने दूंगा, मगर आप भी कुछ बचत, कुछ कटौती कीजिए। किस चीज में कटौती करूं? क्या एक वक्त का खाना पकवाना शुरू कर दूं? ओफो आपा बेगम, अब देखिए ना, इस वक्त खादिम, खिदमत गुजार, नौकर, चाकर, रकाबदार, बटेरबाज, लौंडियां, बांदियां और न जाने कितने आलतू फालतू लोग मिलाकर लगभग 150 आदमी खा पी रहे होंगे। अब इन सबकी क्या जरूरत है, निकाल बाहर कीजिए इन्हें। होश में रहो, निकाल बाहर कीजिए, ताकि वो सबको ये कहते फिरे के फलकनुमा वालों की जेब खाली हो गई है। तो फिर एक ही रास्ता है, हया से मेरी शादी, और वो भी जल्द से जल्द। इजाजत है? लीजिए, ये भी कोई पूछने की बात है? हया बेटी, भारी बनो चल्ला जो आया ससुराल से, भारी बनो चल्ला जो आया ससुराल से, वो हरी आला जो बने वाला पहनाएगा बड़े चाहों से, भारी बनो चल्ला जो आया ससुराल से। वो चीखती रही, हया को बचाओ, हया की जान खतरे में है। और हाँ, उसने ये भी कहा था कि हया को सज्जाद से खतरा है। सज्जाद? ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से लड़की को ढूंढना चाहिए प्रकाश। लेकिन यार, वो लड़की मिलेगी कहाँ? यही तो मुश्किल है, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। एक काम कर, उसने तुझसे जो जो बातें की हैं वो बता। अब लफ्ज ब लफ्ज तो याद नहीं है, लेकिन क्या कह रही थी वो, अजाब के फरिश्ते कब्र से आई हूं, घोड़ों की टाप में। That's it. सज्जाद के पैलेस में स्टेबल्स हैं, घोड़े हैं, वो लड़की वहीं कहीं होनी चाहिए। चल बैठ, चल। अब आपको कौन सा पत्ता दे? मियां पत्ता कोई भी दीजिए, बाजी मेरी है। अच्छा तो ये लीजिए बादशाह। अमां पत्ता फिर बचा गए? भाई हम भी खेलना जानते हैं, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। मियाँ नए खिलाड़ी हो, अभी बच्चे हो मियाँ बच्चे। देखते हैं कौन बच्चा है। फिलहाल तो आप अपनी बाजी संभालिए, कीजिए। अल्लाह, मियाँ बचा गए? कैसी है? पता वो लड़की कहाँ है? अरे बता, वो लड़की कहाँ छुपा रखी है? वो खिड़की उसके नीचे कमरे में। ये प्रकाश संभाल ले। आसिया, आसिया, यहाँ यहाँ। ये
निकाल, घोड़े को बाहर निकाल। कच्चा रास्ता आ रहा है, जरा संभल के। लीजिए हम आ गए। आओ आओ, जम जम आओ। अरे लड़कियों, इन्हें ऐसे ही आने दोगी? जरा उठ के फूलों की छड़ियां तो छुलाओ। हम तो पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, शौक से लगाओ, यही छड़ी खाने के तो अरमान थे हमारे। क्यों? अच्छा, ये बात है तो अपनी समधन बेगम के ये अरमान तो मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे। वकील और गवाह आ रहे हैं, पर्दा कर लो। क्या नवाब सज्जाद अली खां वल्द मरहूम नवाब बुनियाद अली खां से बिल अवज महर 6,51,000 सिक्के रेजुल वक्त तुम्हें ये निकाह कबूल है? तुम्हें ये निकाह कबूल है? तुम्हें ये निकाह कबूल है? सुन लिया आपने, सुन लिया आपने? आइए तशरीफ लाइए। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। आदाब। आज तुम्हें अपनी हकीकत और असलियत दोनों से नकाब उठाना पड़ेगा आसिया। तुम कौन हो? तुम्हारा हया से क्या नाता है? मैं हया की सौतेली बहन आसिया हूं। क्या? मेरी मां हयात मंजिल की एक खादमा थी, मामूली नौकरानी, और मेरा बाप हयात मंजिल का नवाब सादा। उसने मेरी बा से प्यार किया लेकिन शादी नहीं की, और जब मैं इस प्यार के नतीजे में पैदा हो गई
और सरकार को पता चला तो क्या बता गई। उन्होंने मेरी मां को घर से निकाल दिया और मेरा बुजदिल बाप खड़े खड़े देखता रहा। सिवाय इस चेहरे के मुझे उस बाप से और कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर सरकार ने एक बड़े घराने में मेरी बाप की शादी करवा दी और हया पैदा हुई। इसलिए हया की शक्ल मुझसे मिलती है। उसके बाद एक कोठरी में मेरी गरीब मां मर गई और यहां हयात मंजिल में मेरा बुजदिल बाप गुजर गया। एक दिन मेरी सौतेली मां को पता चला कि मैं यतीम खाने में पड़ी हुई हूं, तो वो मुझे हयात मंजिल ले आई और एक बार फिर मेरी वजह से हयात मंजिल में कयामत आ गई। बहू बेगम, तुमने हमारी शफकत का नाजायज फायदा उठाया है। इस लड़की के यहां आ जाने से हयात मंजिल का माहौल नापाक हो गया है। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। आसिया ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? है तो ये मेरे शौहर की औलाद और इसलिए मैं इसकी माँ हूँ। हया से ज्यादा ये मासूम बेसहारा लड़की मेरी ममता की हकदार है। खामोश, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। बाबा सरकार, अगर आसिया यहाँ नहीं रहेगी तो इसकी बहन हया और इसकी माँ यानी कि मैं भी यहाँ नहीं रहेंगे। हया की माँ ने मुझ में और हया में कोई फर्क नहीं रखा। वो मेरी सौतेली माँ थी इसलिए उन्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए थी, पर उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। मुझे उनसे वो सब मिला जो हया को मिला, प्यार, दुलार, ममता। और मैंने उस छोटी सी उम्र में ये ठान ली कि ऐसी पाक दामन औरत के लिए मैं अपनी जान भी निसार कर दूं तो भी कम होगा। लेकिन अल्लाह ने तो मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है। एक दिन एकाएक हया की माँ गुजर गई, उसका सहारा उठ गया जो सौतेली होकर भी सगी माँ से बढ़कर थी। सरकार ने फिर मुझे घर से निकाल दिया। पिट्टन, तुम जानती हो कि लड़की हमारे खानदान पर बहुत बड़ा दाग है। हम इतना चाहते हैं कि तुम इसे हमसे इतनी दूर ले जाओ कि इसकी मनहूस सूरत हमारे ख्वाबों में भी ना आ सके। इमरान, अम्मी बेगम हया की माँ मेरे ख्वाबों में आती रहती है, रोती रहती है और बस यही कहती है, आसिया बेटी हया को संभालो। और मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ, अभी बेगम आसिया के जीते जी हया को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा इमरान, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जाओगे? पता नहीं। देखो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम मुझसे दूर रहो, मैं बहुत मनहूस हूं। कहा था ना इमरान, मेरी किस्मत बहुत गहरी काली स्याही से लिखी हुई है। फजूल बात मत करो तुम, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो चलो। तुमने तो अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन मैं अच्छी तरह देख रहा था। तुम वहां मेरी जगह अपने कमीने आशिक उस दो टके के फोटोग्राफर को देखना चाहती थी। नीच बदजात, क्या नाम है उसका जिसे तुम फंसी हुई थी? मैं फंसी हुई नहीं थी,
मैंने मोहब्बत की थी। फलकनुमा पैलेस के इस कमरे में अपनी सुहागरात के फूलों के सामने अपने शोहर से यह कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि तुम किसी से इश्क किया करती थी? इश्क कोई शर्म की बात नहीं है, एक नेमत है जो सबकी तकदीर में नहीं होती। और उसने तुम्हारे इस मखमली बदन को हजारों बार छुआ भी होगा। गुलाब की पंखड़ियों जैसे इन लबों को चूमा भी होगा। मैं झूठे बर्तनों में खाना खाने का आदि नहीं हूं और तुम्हारी सूरत से मुझे यूं भी नफरत है। पुराने सोफे, अलमारियों, आईनों, बर्तनों और कालीनों की तरह तुम भी इस महल में पड़ी रहो ताकि जब कोई मेहमान आए इन चीजों के साथ साथ हम तुम्हें भी दिखा सकें कि ये कालीन हमें राजा मानसिंह ने दिया था, ये मुजस्मा इटली से आया था और ये टी सेट बाबा मरूम ने एक पब्लिक ऑक्शन में पेरिस में खरीदा था और ये दुल्हन हम अलीपुर से ले आए हैं। तुम मेरी बीवी नहीं हो, सिर्फ सजावट की एक चीज हो। पड़ी रहो। अम्मी आसिया है। आसिया ये अम्मी। आदा खुश रहो। देखो वहां गुसल खाना है, हाथ मुंह धो लो फिर कुछ खा लेते हैं। जाओ जाओ। ये कौन है बेटे? ये एक मजलूम बेसहारा अकेली लड़की है अम्मी, अपनी पैदाइश की सजा भुगत रही है। क्या हुआ बेचारे को? बाप बुजदिल था, माँ बेबस, दादा जालिम, इन्हीं हालात ने इस बेचारी को मार डाला। अम्मी आप दिन भर अकेली रहती हैं, सोचा करिए यहाँ कुछ दिन रह जाए तो आपको एतराज तो नहीं होगा? एतराज? एतराज क्यों होगा बेटे, जब तक चाहे रहे। तुम लोग क्या घास खा रहे थे कि वो आया और उठा के ले गया? सरकार वो हुआ क्या के हमला इतना यकाक हुआ के ये जूते खा के रह गए। पता नहीं मैंने तुम जैसे नमक हरामों को क्यों पाल रखा है। जिंदा रहना चाहते हो तो उसे ढूंढ के ले आओ। आसिया का मेरे कब्जे में रहना बहुत जरूरी है। मुझे तो खैर छोड़ो, मगर अम्मी जान को खुदा हाफिज कहे बगैर ही चली जाओगी। तुम जा रही थी ना? कहाँ? पता नहीं। क्यों जा रही थी? मुझे प्यार के माहौल में रहना नहीं आता इमरान। रह के देखो तो, धीरे धीरे रहना आ जाएगा। और वादा करो कि आप कभी यूं छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करोगे, वरना तुम पर पहरा रखने के लिए मुझे रात रात भर जागना पड़ेगा। मैं अंदर आ सकता हूं? जी। बैठिए बैठिए। मैं सुहागरात की बदतमीजी पर बहुत शर्मिंदा हूं। बात यह है कि लाख कोशिश करने के बाद भी मैं इमरान को भुला नहीं पाता, बस खून खौल जाता है। मगर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तो जरा इन कागजात पर दस्तखत कीजिए। क्या लिखा है इसमें? आप मुझे अपना मुख्तार-ए-आम बना रही हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ओह, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। मगर मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूं, मजाजी खुदा। क्या निकाहनामे में यह भी लिखा हुआ है कि आपकी बीवी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको अपना मुख्तार भी बनाऊं? इसमें यही लिखा होगा ना कि जितना हक मुझे अपनी दौलत पर है
आपको भी उतना ही है? हाँ। और आप इसे जब चाहे बेच सकते हैं या जिसे चाहे इसे दे सकते हैं? मैं आपको इसका इख्तियार नहीं दे सकती। दस्तखत करो। मैं साइन नहीं करूंगी। दस्तखत करो। नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? सज्जाद, ये क्या बदतमीजी है? जाहिल शौहर की तरफ बीवी पर हाथ उठाकर शर्म नहीं आई? देखा नहीं, ऐठी हुई। दस्तखत करने से इनकार किए जा रहे। हाँ, तो ये दुल्हन बेगम की मर्जी। तुम कौन होते हो जबरदस्ती दस्तखत करवाने वाले? मार मार के वो सुझा दिया गरीब का। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ। मैं अपने बुजुर्गों की तरफ से भी माफी मांगती हूँ दुल्हन। असल में आजकल सज्जाद बहुत परेशान रहते हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी। अब वो ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करेंगे। चल आराम कर ले। चल, चल, चल। हया बीबी, बड़े सरकार को खबर कर देनी चाहिए। नहीं गौरी, नारा सरकार जब ये सुनेंगे तो खुदा ना खास्ता चीते ची मर जाएंगे। नारा सरकार मुझसे बहुत प्यार करते हैं गौरी, तुझे मेरी कसम है। उन्हें कभी नहीं कहना कि मैं खुश नहीं हूं, उन्हें तो बस यही पता चलना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं। शराब की साकी तेरी सुराई अब, लाश शराब के साकी तेरी सुराई अब, इमरान शराब के साकी तेरी, इमरान लाश शराब के साकी। धोखे में आ गई ना अम्मी, मैं इमरान नहीं हूँ, मैं इमरान का भूत हूँ, भूत। डरा हूँ? तूने शराब पी है? हाँ पी तो है अम्मी, बात कड़वी होती है। किसी को भूलना भी हो ना, आप मत पीजिएगा। जिस घर में आज तक अंग्रेजी दवा तक नहीं आई क्या उसमें शराब होती है, उस घर में तू शराब पी कर आया ना मुराद? अल्लाह रसूल के फरमान भूल गया, अपने कानों में गूंजने वाली अजान भूल गया, अपने मुसलमान बाप की रूह को ये सुख पहुंचा रहा है तू? बस कीजिए अम्मी। नहीं बेटी नहीं, इसे कहो मेरे नजरों से दूर हो जाए। ऐसे बच्चे की मां होने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद। ऐसा मत कहिए अम्मी, इस वक्त भी होश में नहीं है, जब होश आएगा तो शर्मिंदा होंगे। आ इमरान, इमरान थी हमारी किस्मत के विशाल। तुम यहां कैसे? मैं तो यहां खड़े तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा किया तुमने, पर तुम दिल के बाहर क्यों निकल आई? वहीं चुप कर बैठी रहो, अम्मी को पता ही नहीं चलेगा। पता है, इन हाथों को चूमने के लिए
कब से जी जा रहा है। ये मुंह क्यों फेर लिया? मुझे शर्म आती है। अच्छा तो ये बात है, शर्म का भी इलाज है हमारे पास। चांद की जिस किरण को मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया है उसे जाने थोड़ी दूंगा। सूरज निकलते ही अम्मी से कहूंगा कि तुम्हारा ब्याह मेरे साथ करा दो, ठीक है? पाक परवरदिगार, आसिया को लंबी उम्र देना। मेरे बच्चे को जुदाई के जहन्नम से निकाल लाई है। आसिया बेटी, नाश्ता।
अम्मी जान मैं ले गरम गरम पराठे और बालाई खा। इमरान को तो खाने का भी शौक नहीं, जो भी सामने रखो गर्दन झुकाकर खा लेता है। बेटी अब तुम्हें ठीक करना उसे। मैं समझी नहीं अम्मी। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे बात शुरू करूं। मगर बात क्या है? बात वो है बेटी, जिसे सुनने के लिए बरसों मेरे कान तरस रहे थे, कल मैंने सुन ली। मैं तो सुबह की नमाज पढ़कर सीधी मौलवी साहब के घर जाकर निकाह की तारीख भी तय कराई। किसका निकाह अम्मी? तुम्हारा और इमरान का बेटा। रात हम दोनों अपनी बात नहीं कर रहे थे अम्मी। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद सुना था। सुना तो मैंने भी था, मगर बात किसी और की थी। पहले ना बुझाओ, और किसकी बात हो रही थी? अम्मी अभी आप इस सवाल के चेहरे पर नकाब भी पड़ा रहने दीजिए। जामिन की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं तो घर वापस जा रहा हूं, सफर पर तो तुम निकलने वाली हो। आप अभी तक जाग रही हैं अम्मी? ये तुझे क्या हो गया है बेटा? क्या हो गया? ये क्या हालत बना रखी है अपने? मम्मी आज तक तूने मेरे कोई बात नहीं टाली, कभी महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं बेवा हूँ। सवेरे उठते ही आँख खुले तो बस तेरा प्यार, सो तो बस तेरे प्यार के सपने, और अब तेरी हालत देखकर मुझे नींद नहीं आती बेटे। नींद तो मुझे भी नहीं आती अम्मी। एक आग है जो मेरे सीने में जल रही है, एक ज्वाला है जो मेरी छाती को फूंक रही है। आपने कभी सुना नहीं वो लोहे को लोहा काटता है? जब मैं शराब पीता हूं तो ये आग ठंडी हो जाती है, और जब मैं होश में आता हूं तो फिर भड़क उठती है। हमने आपके आंसू भी इसे नहीं बुझा सकते। या खुदा मैं क्या करूं? ये क्या अम्मी? ये मेरे बच्चे को क्या हो गया आसिया बेटी? किसकी नजर लग गई मेरे लाल को? हाँ अम्मी, जिंदगी में सारा खेल नजर ही का तो है। आप इनकी नजर उतरवा लीजिए। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मैं कल ही इसे दरगाह शरीफ ले जाऊंगी, जहां ऊंच नीच अमीर गरीब सबकी मुरादें पूरी होती है। चारों तरफ उदासी थी, बेचैन थी हवा, एक रोज उस मकाम से इश्क न करियो को। इश्क न करियो को। तौबा तौबा
ना ना गलत, बिल्कुल गलत। इश्क पे मत इल्जाम लगाना, इश्क है रब का जाप, जाती है जिसके मन में जगे वो बोले अपने आप। इश्क है सच्चा, इश्क है सच्चा, बाकी झूठा। इश्क है सच्चा, बाकी झूठा। इश्क है सच्चा, जिसने भी इस राज को समझा, जिसने भी इस राज को समझा, दुनिया के जंजाल से छूटा। इश्क है सच्चा, बाकी झूठा। इश्क है सच्चा, बाकी झूठा। इश्क है सच्चा। Thank you.
कभी मरता नहीं है, शिकवे गिले करता नहीं है, इश्क कभी मरता नहीं है, शिकवे गिले करता नहीं है, जोड़ ले टुकड़े दिल कर टूटा, जोड़ ले टुकड़े दिल कर टूटा, इश्क है सच्चा बाकी झूठा, इश्क है सच्चा जिसने भी इस राज को समझा, दुनिया के जंजाल से छूटा, इश्क है सच्चा बाकी झूठा, इश्क है सच्चा। जिसने भी इस राज को समझा, जिसने भी इस राज को समझा, दुनिया के जंजाल से छूटा, इश्क है सच्चा बाकी झूठा, इश्क है सच्चा बाकी झूठा, इश्क है सच्चा बाकी झूठा, इश्क है सच्चा। तुम्हीने तो कहा था वादा करो हमेशा खुश रहोगे, और मैंने तुमसे कहा था मुझे ज्यादा याद मत करना, दुनिया में दिल लगा लेना, फिर ये सब क्या? अल्लाह उनके साथ है जो सबर करते हैं, सबर करना सीखो इमरान। अपने आशिक को सबर करना जरूर सिखाओ, लेकिन मुझमें इतना सबर नहीं है। मैं ये भी बर्दाश्त कर लूं कि मेरे शहर में मेरी ही बीवी एक दरगाह पर अपने आशिक को चोरी चोरी मिलने आए। सज्जाद, तुमसे तो मैं फिर बात करूंगा, अभी इस दो टके के आदमी को कुछ सबक सिखाना है। लो चाबुक और मारो अपने आशिक को,
मैं कहता हूं मारो इसे। ले जाओ अपने आदमी को। पूरी तरह से मारा मजाक नहीं। मुझे तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना खूब आता है। मुझ जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं होगी सज्जाद। दस्तखत करोगी कि नहीं? तुम ये सवाल करते करते थक जाओगे, मगर मैं इनकार करते करते नहीं थकूंगी। तो इस सर भरी लड़की को समझाओ, इसे बता दो ये तो खैर चीज क्या है। मुझे तो लाशों से भी दस्तखत करवाना आता है। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी नासिया? ये सब तुम पर है। मुझ पर? इमरान, मैं ये नहीं कहती कि तुम हया को भूल जाओ, मगर अम्मी जान को याद रखना भी तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो उनसे अपने जख्मों को छुपाना सीखो। मुस्कुराहट का एक नकाब डाल लो अपने चेहरे पर। अब क्या होगा आपा? ये हया का दादा कहां से आ गया? कहीं हया ने उसे कुछ बता दिया तो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सज्जाद, हया को अपने दादा की जिंदगी बहुत अजीज है, वो उन्हें कुछ नहीं बताएगी। मैंने अपने कानों से सुना है। फिर भी आपा? घबराओ मत, मैंने कौरी से कह दिया है कि उसे काल कोठरी से निकाल कर तैयार करके दादा के पास ले जाए। बैठो। हटो हटो हटो, जरा हमको देखने दो, पीछे हटो। हमारी नूर नजर कुछ दुबली नजर आ रही है। दास सरकार, मैं तो दुबला होना चाहती हूँ, लेकिन हमारी ननन साहब इतना लाड़ प्यार करती हैं और इतने चाव से खिलाती हैं कि इनकार भी नहीं किया जाता। बेटे तुम कैसे लगा अपना नया घर? ऐसा घर तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी दया सरकार। या मैं कहती हूँ तो सूरज निकलता है, और मैं कहती हूँ तो सूरज डूब भी जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तुमसे कहा था ना बेटे कि इस घर में तुम बहुत खुश रहोगी। अब बताओ वो इमरान क्या ये जन्नत दे सकता था तुम्हें? आप मेरे घर में इमरान का नाम क्यों ले रहे हैं दादा सरकार? इस घर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुमने आज हमारी रूह पर से एक बहुत भारी आजाब का बोझ उठा दिया है। ये ख्याल एक चूहिया की तरह हमारे दिल को कुतरता रहता था कि कहीं हमने तुम्हारे हक में कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया। आप मेरे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकते दादा सरकार। वहां सब कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का फजल है, लेकिन दर दीवार तक उदास हैं तुम्हारे लिए। तुमने खत क्यों नहीं लिखा? वो मुझे शर्म आती है। बेटे, ससुराल कोई शर्म वाली जगह तो नहीं है। अब लिख दिया करूंगी। हाँ, बस एक दो चार सतरें घसीट दिया करो, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आदाब बजा लाता हूँ नवाब साहब। आदाब। आदाब नवाब साहब, हम माफी चाहते हैं, हमें अभी अभी खबर मिली कि आप तशरीफ लाए हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अरे नवाब साहब, आप यहीं बैठ गए, अंदर चल के दीवान खाने में तशरीफ रखिए ना। हजरत दाग जहाँ बैठ गए बैठ गए। आपने आने की खबर तो नहीं दी,
लेकिन शिकायत करने की गुस्ताखी की इजाजत तो देनी पड़ेगी। मियां सज्जाद, जो शिकायत हम करने वाले हैं उसमें गुस्ताखी नहीं, नवाब हशमत अली खां का गुस्सा है। और मियां सज्जाद, वो शिकायत ये है कि आपने अपनी दुल्हन को और बीबी आपने अपनी भाभी को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो हमें खत लिखना भूल गई। अब बीबी आपका जिम्मा रहा कि हफ्ते में कम से कम एक बार हमें ये एकत कार्ड घसीट दिया करे, बस। चलिए, अब तमाम गिले शिकवे दूर हुए, खादिम को इजाजत दीजिए। ये आप क्या फरमा रहे हैं, कुछ दिन हमें आपकी खिदमत करने का मौका तो दीजिए। बीबी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि बेटी के घर में नहीं रहा जाता। हम चलते हैं, एक 7 रोज बाद हया की वालदा की बरसी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हया को साथ लाने की जहमत गवारा करेंगी। जी नवाब साहब। उस बूढ़े ने अगले हफ्ते तुम्हें अपनी माँ की बरसी पे बुलाया है ना? हया, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पूरे 7। तब तक इस कोठरी के कीड़े मकोड़े सन्नाटा अंधेरा तुमसे 100 बार दस्तखत करवाएगा। इस घटिया हवेली में तहखाने के बाहर भी अंधेरा कम नहीं है सज्जाद। देखता हूं तुम अपनी जिद पर कब तक कायम रहती हो। बीबी सरकार, आपको अपने अल्लाह रसूल का वास्ता, अपनी जानो माल का सदका, हया बीबी की मार पिटाई रुकवा दीजिए, उन्हें उस कालकोठरी से निकलवा दीजिए। वहां हयात मंजिल में उन्हें कभी फूलों की छड़ी से भी मार नहीं पड़ी। वो इस घर की बहू है। तो फिर बहुओं के तौर तरीके भी आने चाहिए। तुम तो दुल्हन बेगम की साख की खेली हुई हो ना, समझाओ ससुराल में कैसे रहा जाता है। हम क्या उसकी जायदाद बेचकर खा जाएंगे? वो मुई जायदाद शौहर से ज्यादा बन गई। समझा कर दस्तखत करवा दो, समझी? दस्तखत कर दे तो उसे कोई परेशान नहीं करेगा। तू बार बार इस अंधेरे जहन्नुम में क्यों चली आती है गौरी? भगवान के लिए उस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। हरगिज नहीं, मेरे जीते जी उन्हें मेरी विरासत का एक पैसा भी नहीं मिल सकता। अगर वो मुझसे मांगता तो शायद मैं उसे दे देती, मगर वो मुझसे छीन नहीं सकता। अरे तो अभी से रोने लगी, कम से कम मेरी मौत का इंतजार तो कर ले, क्योंकि मेरे मरने पर इस घर में सिवाय तेरे और कोई रोएगा भी नहीं। वो कमीना सज्जाद ये सब कर क्यों रहा है? सज्जाद मियां पर लाखों का कर्जा है और वो हया बीबी की जायदाद से वो कर्जा चुकाना चाहता है। हया बीबी ने जायदाद देने से इनकार कर दिया और सज्जाद मार पिटाई करके जबरदस्ती उनसे जायदाद अपने नाम लिखवाना चाहता है। और अब तो उन्होंने हया बीबी को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया है, जहाँ ना हवा है ना रोशनी। मैं इन फलकनुमा पैलेस वालों से जाके मिलता हूँ और इस सज्जाद को हथकड़ी लगवा के ही दम लूंगा। इससे तो बात और भी बिगड़ जाएगी। हया बीबी खुद अपनी माँ की बरसी पर अपने घर जाने वाली हैं। आप बस इतना कीजिए कि दादा सरकार उन्हें अपने पास रोक लें, सज्जाद के घर कभी वापस न जाने दें। अगर वो हयात मंजिल जा रही है गौरी, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो सज्जाद के घर कभी वापस नहीं जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहीं उन लोगों को पता ना चल जाए कि मैं घर में नहीं हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आसिया, अभी भी गौरी आई थी? मैंने सब सुन लिया है इमरान। इमरान, तुम हया को सज्जाद से बचाओ, तुम नहीं जानते वो कितना हराबी आदमी है। आसिया, तुम्हारा सज्जाद से क्या नाता है? मैं एक बेसहारा कटी पतंग थी,
एक बैंक में नौकरी मिल गई। वहां सज्जाद ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैं ये सोचकर खुश हो गई कि इस दुनिया में मुझे कोई सहारा मिल गया। सज्जाद को बैंक से चोरी करनी थी और मैं उसके बहकावे में आ गई। बैंक से फ्रॉड करने पर मैं उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई। सज्जाद ने जाली दस्तखत करके बैंक से 18 लाख रुपए का बंद कर लिया। जब मैंने शादी की बात छेड़ी तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं समझ गई कि अब मेरी जान को खतरा है, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी चोरी का सिर्फ मुझे ही पता था। अपनी जान बचाने के लिए मैं बैंक से वो कागज निकाल लाई जो उसकी चोरी का सबूत था। अरे, ये सब होने के बाद तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अगर मैं ऐसा करती तो जो नकाब मैंने अपने चेहरे पर डाल रखा है वो उड़ जाता और ये खबर फैल जाती कि मैं उस खानदान की नाजायज औलाद हूं, और ये दादा सरकार के लिए सजाए बहुत से कम ना होता। फिर क्या हुआ? इस बात से डर के कि कहीं मैं पुलिस में खबर ना कर दूं, सज्जाद ने मुझे एक तहखाने में बंद कर दिया। वहां वो मुझे दिन रात मारा पीटा करता था ताकि वो कागज मैं उसे दे दूं। आसिया, बैंक का वो कागज कहां है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी? नहीं। बताओ मुझे। मैं नहीं बताऊंगी। अगर वो कागज तुम्हें मिल गया तो तुम मुझे जान से मार डालोगे। हया को वहां से निकाल लो इमरान, वो मेरी तरह सख्त जान नहीं है। खुदा के लिए उसे वहां से निकाल लो। यहां क्यों रुक गए? मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। सज्जाद की वजह से तुम्हारी जान खतरे में है। इसे तुम यहीं ठहरो, मैं हया को लेकर आता हूं। फिर हम तीनों साथ चलेंगे हयात मंजिल, ताकि तुम सबके सामने दादा सरकार को अपनी और सज्जाद की पूरी कहानी सुना सको। हया बच जाएगी और तुम्हें तुम्हारी विरासत का पूरा हक मिलेगा। आसिया कहाँ गई? आसिया, आसिया कहाँ चली गई है? इसे यहीं ठहरने को कहा था।
अच्छा दादा सरकार, मैं चलती हूँ। बेटे, तुम तो जानती हो कि हमारे जी तुम्ही में अटका रहता है। अब वहां जाके ऐसा मत करना कि तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए हमें वहां चल के आना पड़े। हफ्ते में एक आध बार अपनी खैरियत का एक कार्ड घसीट दिया करना। जी जा बेटी, अल्लाह के अमान में रहो। जा। अरे बचाइयो मेरे मौला, रेल छूट गई क्या तुम्हारी बेटी? रेल नहीं तो क्या कोठारी, तुम ऊंट गाड़ी पे जाने वाली थी और ये इमरान मियां कहां मिल गए तुम्हें? इमरान, मैं तो कोठारी गई नहीं। वो तो मैं देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, या अली, क्या बात है बेटा, खैर तो है? इसके माने ये हुए कि आसिया हया बनकर कोठारी चले गई और उसकी जान खतरे में होगी। नवाज साहब जल्दी कीजिए जरा। मगर मैं क्या 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 करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रास्ते में आपको सब समझा दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें फौरन चलना चाहिए। हमजा, गाड़ी निकालो। मैं जानता था तुम्हारे समझ में ये बात आ जाएगी। केस दस्तावेज पर दस्तखत कर ही देना चाहिए। हया, समझ लो कि आज हमारी शादीशुदा जिंदगी का सूरज निकल रहा है। वैसे तुम्हें जिद दिलवाने में मेरी जल्दबाजी का भी कुछ हाथ था। मर्द कुछ जल्दबाज होते ही हैं, मगर मैंने भी कुछ गलतियां की थी, इसलिए आज इस कागज पर दस्तखत करके मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर रही हूं। मगर पहले अपने इस मिलाप की खुशी में ये शरबत पी लें। शुक्रिया। आसिया? जी हाँ नवाब साहब, मैं हया नहीं हूं, बल्कि हया की सौतेली बहन आसिया हूं। तुमने मुझे अपनी बीवी बनाने के बजाय अपनी रखेल बनाना चाहा, और सितम पर सितम ये कि तुमने हया की जिंदगी भी तबाह करने की ठान ली। ये मुझसे नहीं सहा गया, इसलिए ये शरबत पीकर मैंने अपने आप को और तुम्हें पिलाकर तुमको सजाए मौत दी है। इसमें जहर मिला हुआ था। तुम हराम जिंदगी जिए हो सज्जाद, हराम मौत मरो। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें मार। दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है ना? इस जहर का असर यूं ही शुरू होता है। अपनी मौत को छूकर देखो सज्जाद, बिल्कुल पास खड़ी है।
दम जरूर निकलेगा मगर तकलीफ से निकलेगा। हाँ अल्लाह करती रही और मुझसे मिली तक नहीं। अगर मिलते तो मुझे वापस जाने देती क्या? मगर तुमने ये सब किया क्यों? मेरी शक्ल इसलिए मैंने अपने चेहरे पर नकाब डाले रखा ताकि सरकार की इज्जत बनी रहे। आया सज्जाद अब तुम्हें कभी तक नहीं करेगा। मैंने उसे जहर दे दिया है और खुद भी क्या जहर पी लिया? इमरान जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी का अक्सर पूरा हो गया और अम्मी को दिया हुआ वादा भी पूरा किया मेरे। एक बात और है, मुझे खानदानी कब्रिस्तान में तो नहीं लेकिन हयात मंजिल के किसी भी कोने में दफन कर देना। अगर सरकार इजाजत दे तो। सरकार नहीं, दादा सरकार कहो बेटे। आपने मुझे बेटी कहा? हाँ, मुझे बहुत पहले तुझे बेटी कह देना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटी। ऐसा मत कहिए दादा सरकार। बेटी कहकर आपने मेरी बहुत आसान कर दी है। खुदा हाफिज। لا إله إلا الله محمد رسول الله آسيا إن لله وإنا إليه راجعون। इमरान जी, मेरी पोती आसिया को घर ले जाने की तैयारी करो।